looking good, Mr. Shahan. Very nice. Mwah. बरकत साहब, इसी वजह से मैं आपको सुबह सुबह कॉल कर रहा हूँ। 3 दिन से ऑर्डर प्लेस हुआ है। अरे ईमेल भी डाल चुका हूँ आपको, चेक तो करें यार, आप किस किस्म के इंसान हैं यार। देखिए, इस तरह बिल्कुल काम नहीं हो सकता। अगर आपका यही रवैया रहा ना, तो मुझे कोई और वेंडर तलाश करना पड़ेगा। Excuse me? जी हाँ। Thank you. अरे आप फौरन से पहले ईमेल चेक करें और मुझे जवाब दें, इस तरह काम नहीं होगा वरना। ओके, अल्लाह हाफिज। अजीब लोग हैं पता नहीं, समझ रहे हैं यहाँ पे तेल का ऑफिस है। लगता है आप बहुत बिजी हैं। जी मैं हूँ बिजी, और आप हैं कौन? आपको इजाजत किसने दी? अच्छा, तो मुझे यहाँ आने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत है। ये मेरा कैबिन है ना, तो इजाजत भी आपको मेरी ही चाहिए होगी, और आपने अभी तक बताया नहीं आप हैं कौन। हाँ, लगता है आप नहीं जानते मैं कौन हूँ। हाँ, मैं नहीं जानता, और लगता है कि आप नहीं जानती कि मैं कौन। मैं हूं शिफ्ट इंचार्ज। कौन हूं? शिफ्ट इंचार्ज। हाँ, तो अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप जा सकती हैं यहां से। एक्सक्यूज मी, आई सेड यू मे लीव। मेरा मतलब है जा सकती हैं आप। गई नहीं आप अभी तक? जाइए मैडम। अरे यार, ईमान से कुछ ऐसे मुंह उठा के चलती आएंगे लोग अब। तुझे क्या हो गया है? तू जाने वाला है ना, इसलिए जी भर के तुझे देख रहा हूं। खड़ा हो या? ये खड़ा तो हो। ये क्या हो गया तुझे? खड़ा हो। I'll miss you, शाहान। अबे क्या हो गया तुझे? जिसे तूने अभी अपने कैबिन से बाहर निकाला है, तू जानता है वो कौन है? कौन है? हमारी नई बॉस। यस, कम इन। मैडम, मैं जानता हूँ आप मुझे फायर करने वाली हैं, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी है, और गलती भी शायद ऐसी हुई जिसका अजाला मुमकिन नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूँ, क्योंकि आप तो बड़े लोग हैं आप, और हम तो कुछ हैं ही नहीं। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बात क्या करूँ, मतलब क्योंकि पानी जो है वो सर से गुजर चुका है, और मैं डूब चुका हूँ। शायद मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी नौकरी का सिग्नल जो है वो ग्रीन से रेड होने जा रहा है। गॉड, तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होने जा रहा हूं, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये गला खुश्क हो रहा है, मैं पानी पी सकता हूं? मैडम, क्या मैं बैठ के पानी पी सकता हूं? थैंक यू मैडम। मैडम, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे फायर मत करना, क्योंकि अगर आप मुझे फायर करेंगे तो मेरे लिए अगली नौकरी तलाश करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं रिजाइन कर देता हूं, और आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। प्लीज ऐसा कर दें मैडम, वो
वो रिजाइनेशन मैंने आपको ईमेल भी कर दिया यहाँ आने से पहले। जी जी मैडम, आप चाहें तो कंफर्म कर ले, वो एचआर वाली मैडम के पास पहुंच भी चुका होगी ईमेल। तो इसलिए मैडम प्लीज प्लीज मुझे मुझे टर्मिनेट मत करना। हाँ थैंक यू मैडम, मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। क्या हुआ शान? Is everything okay? नौकरी बच गई या बॉस ने फायर कर दिया? हाँ, होना क्या था? सुना दी मैंने खड़े-खड़े? सुना दी खड़े-खड़े? और नहीं तो क्या? अरे तुम लोग तो जानते हो मुझे, मैं किसी की बातें सुनने का कायल तो हूँ नहीं, इसलिए मैंने मैंने बोल दिया मैडम। मैडम नौकरी पर समझौता हो सकता है, उसूलों पर नहीं। तुझे अंदाजा भी है तू क्या कह रहा है? तो मैंने बोल दिया कि जब मैंने कुछ किया नहीं तो फिर माफी किस चीज की, इसलिए मैं रिजाइन कर दूंगा। और कर दिया रिजाइन। क्या तुमने रिजाइन कर दिया? और नहीं तो क्या सबा, तुम तो जानती हो मुझे, किसी की खुशामद नहीं होती मुझसे। अरे पर तू अब करेगा क्या? देखा, अभी रिजाइन किया नहीं और अगली ऑफर भी आ गई। अरे ये समझती क्या है बॉस अपने आप, लोग टैलेंट की तलाश में रहते हैं। तो वैसे भी अब तू देखी, जहां जाऊंगा ना शान शान से जाएगा। और वैसे भी सच बताऊं, ये ऑफिस मेरे शान शान था भी नहीं। फिकर ना कर तू यार, अभी तुझे भी अगली नौकरी पे साथ लेके जाऊंगा। पीछे तुझे क्यों, क्या गया तुझे पीछे, क्या भला है? मैडम वो मैडम मैं आप ही का जिक्र कर रहा था, बल्कि मैं तारीफ कर रहा था आप ही की। सबको मैं बता रहा था कि बड़ी अच्छी नई बॉस आई है हमारी, आपका कंपनी जो है वो और तरक्की करेगी। मैं चलता हूँ।